विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर दुर्ग के जिला अस्पताल में सिकल संगवारी पहल के बैनर के तले आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग सांसद और कलेक्टर सहित नर्सिंग स्टाफ बड़ी संख्या में शामिल हुए। सिकल संगवारी पहल के बैनर तले दुर्ग के जिला अस्पताल में बुधवार को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया। इस दौरान सिकल सेल बीमारी से पीड़ित लोगों को भी आमंत्रित किया गया। इस मौके पर जिला अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में दुर्ग सांसद विजय बघेल, दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, CHMO जयप्रकाश मेश्राम सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यक्रम में सिकल सेल से जुड़ी गंभीर बातों सहित इसका रोकथाम किस तरह किया जाए इसको लेकर बताया गया। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने अपने संबोधन में बताया कि सिकल सेल बीमारी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा और आदिवासी लोगों को सबसे ज्यादा होती है। दूसरा, जो ऑलरेडी बीमारी जितने हैं, SS जिसको कहते हैं, उनको दवाई की बार बार, खून चढ़ाने की बार बार जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटल में एडमिशन की बार बार जरूरत पड़ती है। बहुत बार पिछली बार कब इलाज कराया था उसका कोई कागज हमारे पास रहता नहीं है। दवाई खत्म हो गई तो अस्पताल में चलो 2 दिन बाद लेकर के आएंगे, फिर भूल गए, 2 हफ्ते बाद अस्पताल से दवाई लेके आते हैं। बहुत सारी कमियाँ उसमें रहती हैं। तो हमारे यहाँ पे आज हम सांसद जी के माध्यम से उस केंद्र का उद्घाटन करें कि जिले में जितने 6,000 के करीब पेशेंट हैं आपके ओवरऑल, जिसमें आपके SS और AS दोनों शामिल हैं, जिनको दवाई लगती है उनको जिले से हर हफ्ते फोन जा करके कि आपको 2 हफ्ते का कोर्स मिला था, आपकी दवाई खत्म हो गई होगी, आप जिला अस्पताल से या नियरेस्ट CHS से आकर के उसको ले लें। अगर उनको खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो उनका कार्ड रहता है, किसी भी प्राइवेट अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में फ्री में उनको इलाज कराने की पात्रता है और बहुत सारी सुविधाएं हैं, उनके बारे में उनको अवगत कराएंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सांसद। और जो पीड़ित हैं इस बीमारी से, सिकल सेल से, उनको कैसे उनकी इलाज की व्यवस्था हो, क्या क्या सावधानियां बरती जाए और किस रूप में जो बीमारी से ग्रस्त है उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सब बातों को लेकर आज सिकल सेल से संबंधित कार्यक्रम में हम सब यहाँ उपस्थित हुए। आपको बता दें, सिकल सेल रोग वंशानुगत रक्त विकारों के एक समूह को संदर्भित करता है। इस रोग में हीमोग्लोबिन में जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला प्रोटीन है, विसंगति पैदा हो जाती है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इस रोग में लाल रक्त कोशिकाएं सी आकार या हसिये की आकार की हो जाती है, जिस कारण इस रोग के सिकल सेल रोग कहा जाता है। इस बीमारी के मरीजों को एनीमिया, दर्द, संक्रमण और अन्य गंभीर जटिलताएं हो सकती है। दुनिया भर में हर साल 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य लोगों के बीच सिकल सेल बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस संदर्भ में मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी जयप्रकाश मेश्राम ने बताया कि इस गंभीर बीमारी से बचाव को लेकर इस तरह का आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि इस बीमारी से पीड़ित लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा जागरूकता दिलाई जा सके। इस संबंध में उन्होंने मीडिया के समक्ष प्रतिक्रिया दी। सिकल सेल दिवस है और आज हम लोग इसको बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ पे हमने एक अच्छा कार्यक्रम किया है, जिसमें सांसद महोदय आए थे, कलेक्टर मैडम आई थी और हमारा एक NGO ग्रुप है, उनके द्वारा ये आयोजित किया गया था। सभी सिकल सेल मरीज जो रहते हैं, उनमें जो SS टाइप के होते हैं, सिकल सेल डिजीज वाले मरीज रहते हैं, जो गंभीर बीमारी जिनको रहती है, उनको भी हमने आज बुलाया था, उनका भी सम्मान किया है। हमने बताया ये कि सिकल सेल के जो SS बीमारी के मरीज रहते हैं उनको एक बुकलेट भी दी गई है। साथ में सभी मरीजों के लिए हमने ये बताया है कि उनको खाना पीना कैसे चाहिए, उनको दवाइयाँ रेगुलर खाना चाहिए। सिकल सेल आप जानते हैं कि एक जनजात बीमारी है, जिसके कारण ये ठीक होने में इन्हें खाली इनको ट्रीटमेंट और इनको अगर अपने खान पान और सभी चीज़ का ध्यान रखेंगे तो ये काफ़ी समय तक अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार सकते हैं। सिकल सेल बीमारी जो है ये हमारे यहाँ पे आदिवासी भाइयों बहनों में और साहू समाज में बहुत ज़्यादा कॉमन है और आप देख रहे हैं कि हमने बहुत सारे टेस्ट करे हैं। पिछले एक साल में भी हमने करीब 25,000 टेस्ट करे थे, जिसमें हमने लोगों को पाया कि जिसमें 300 के मरीज हमने सिकल सेल डिजीज़ के मिले थे, उन सभी की दवाइयाँ रेगुलरली चल रही हैं, उन लोग को सभी ट्रीटमेंट मिल रहा है। और काउंसलिंग के लिए हमने अभी जो NGO की संस्था है
वो एक काउंसलिंग भी इनकी करेगी ताकि ये हमेशा बताएगी, क्योंकि जो मरीज रहते हैं वो दवाइयाँ कभी कभी बीच में खाना बंद कर देते हैं जिसके कारण फिर से कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। हमारे यहाँ ब्लड बैंक है जो बहुत अच्छा ब्लड बैंक है, इस ब्लड बैंक में रक्त की कभी कमी नहीं होने देते। सिकल सेल डिजीज़ के बहुत सारे मरीज रहते हैं जिनको खून की कमी के कारण रक्त हमेशा चढ़ाना पड़ता है, हमारे यहाँ हमेशा उनको रक्त की सुविधाएँ प्रदान की जाती है। जिला चिकित्सालय में हमने सिकल सेल के लिए हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम आज करा है, और साथ में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में, और साथ ही आदिवासी के जो बच्चे लोग रहते हैं जो यहाँ हॉस्टल है उसमें भी सिकलिंग का टेस्ट करवाने के लिए हमने अपनी टीम भेजी हुई है, और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग इसका लाभ उठा सकें। जिले में लगभग कितने मरीज? जिले में हमारे यहाँ पे अभी करीब करीब हमारे पास 300 जो सिकल सेल डिजीज के पेशेंट मिले हैं, उनके हम दवाइयाँ और उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। बाकी वाहक बहुत सारे हैं, वाहक के रूप जो रहते हैं उनको हम हमेशा एडवाइस भी देते हैं कि आप हमेशा आते रहिए यहाँ और दवाइयाँ निरंतर खाइए। रोकथाम हमने यही करके रखा है कि सभी लोग जितने भी दवाएँ हैं उन लोग रेगुलर यहाँ आते हैं, अपना चेकअप करवाते हैं, और हमने उसके लिए ये भी बोल के रखा है कि ओपीडी में वो जब भी आते हैं उनको कार्ड भी बना के कार्ड भी दे रहे हैं, उस कार्ड से उनको उनका रजिस्ट्रेशन भी जल्दी हो जाता है और वो आके जल्दी दिखा देते हैं। नए मरीज जितने रहते हैं उनमें खून की कमी के जो लक्षण रहते हैं, हमेशा उनको थकावट लगेगी और जीभ सफ़ेद दिखेगी उनकी, और वो जितने भी लोग हैं थक जाते हैं बहुत जल्दी, काम करते करते थक जाते हैं, तो उनको समझ में आता है। बच्चे जो पढ़ते रहते हैं उनको भी पता चल जाता है कि हमको बहुत जल्दी जल्दी थकावट आ रही है, तो इस तरीके से उन लोग जब यहाँ चेक करवाने आते हैं तब उनका टेस्ट करते हैं। असाध्य बीमारी है, गंभीर बीमारी है, दवाई रेगुलर लेना है, सावधानियाँ निरंतर रखनी है, तभी आप इस तकलीफ से दूर हो सकते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज सिकल सेल संगवारी पहल के तहत, जिसमें संगवारी जो एनजीओ है और एबीस की जो पहल है उसके तहत जिला अस्पताल में आज हम लोग ने एक पुस्तिका, सिकल सेल स्वास्थ्य पुस्तिका, जो हर मरीज को मिलेगी, और उस पुस्तिका के माध्यम से आपको रेगुलर डॉक्टर से कब मिलना है, कब आपको क्या दवाई लेना है, कब आपको कुछ और सावधानियां बरतनी है, इन सब बातों का उल्लेख उसमें उस पुस्तिका में रहेगा। पहले एक पत्ते में ओपीडी में आते थे और एक पेपर में उनको जो दवाइयां लिखनी रहती थी या जो सावधानियां वो लिख देते थे, तो पेपर को कभी घुमा देना, कभी वो असावधानी बरते तो पेपर और भी मिस हो जाना, उसके कारण मरीज लापरवाह भी हो जाता था और ठीक से अपनी बीमारी पर ध्यान भी नहीं दे पाता था, दवाइयाँ भी ठीक से नहीं ले पाते थे। उसको ध्यान में रखते हुए इस पुस्तिका का विमोचन हमने किया है, और हर मरीज को ये पुस्तिका मिलेगी ताकि पूरा हिस्ट्री उसमें रहे, कब क्या लिए, कब कहाँ लिए। देश के किसी कोने में जाएँ तो उस पुस्तिका के माध्यम से अगर वो वहाँ पर कोई तकलीफ हो जाए तो वहाँ के डॉक्टर भी देख के जान जाएँ किसको किस तरह की दवाई दी जा रही है, किस तरह की इनको सावधानियाँ बरतनी, ये सब बातों का वो भी मार्गदर्शन दे सकते कार्ड, और उसके साथ एक कार्ड भी मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे सुविधाएं शासकीय सुविधाएं मिलती है सिकल सेल के जो रोगी हैं उनको, उसका लाभ भी कार्ड के माध्यम से, जो उनका कार्ड है आई कार्ड उसके माध्यम से उनको लाभ मिलेगा। ACN न्यूज़ के लिए दुर्गा सेना सिंह फारूकी की रिपोर्ट।